देसी इकोनॉमिक्स की इस खास रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बादशाह राधा किशन शिव किशन की। तो नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आज की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। राधा किशन शिव किशन जो छोटे बिजनेसमैन से बने स्टॉक मार्केट के बादशाह, अब हैं इंडिया के 9th रिचेस्ट मैन और राकेश झुंझुनवाला के मेंटर। आज के वीडियो में हम आपको राधा किशन दामिनी के स्टॉक होल्डिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं राधा किशन दामिनी के बारे में। राधा किशन शिव किशन दामिनी मुंबई में एक माहेश्वरी मारवाड़ी हिंदू परिवार में पैदा हुए और एक सिंगल रूम के फ्लैट में बड़े हुए। उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से की, लेकिन एक साल बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। उनके पिता के निधन के बाद जो दलाल स्ट्रीट पर काम करते थे, दामिनी ने अपने बॉल बीरिंग व्यापार को छोड़ दिया और स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर बन गए। 1990s में स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करके उन्होंने मुनाफा कमाया। दामिनी रिपोर्टेडली 1995 में HDFC बैंक के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर होल्डर थे जब ये पब्लिक हुआ। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के समय उनके शॉर्ट सेलिंग के मुनाफे में बड़ी वृद्धि देखी है। 1999 में उन्होंने नरुल में अपना बाजार, एक सरकारी विभागीय डिपार्टमेंट स्टोर का फ्रेंचाइजी चलाया, लेकिन उसके व्यावसायिक मॉडल पर विश्वास नहीं किया। 2000 में उन्होंने स्टॉक मार्केट छोड़ दिया और अपनी खुद की हाइपरमार्केट चेन डीमार्ट शुरू की। पहला स्टोर पॉवेल में 2002 में खुला। 2010 में दुकानों की संख्या 25 थी। उसके बाद कंपनी तेजी से बढ़ी और 2017 में पब्लिक हुई। $16.5 बिलियन के साथ भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने। ग्लोबल बिलियनर्स की सूची में 117 पर रहे। वहीं 2022 में फोर्ब्स की ग्लोबल बिलियनर्स लिस्ट में $18.9 बिलियन के नेटवर्थ के साथ 87 पर रहे। अब चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स को जिनमें उनका निवेश है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 1,97,970 करोड़। ट्रेंड लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 2,140.3 करोड़। VST इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 1,692 करोड़। इंडिया सीमेंट लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 1,367 करोड़। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 1,088 करोड़। 3M इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 520 करोड़। वहीं ब्लू डॉट एक्सप्रेस लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 189 करोड़। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 83 करोड़। एपटेक लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 40 करोड़। DF यूटिलिटीज लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 29 करोड़। आंध्रा पेपर लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 19 करोड़। वहीं अडवानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड की स्टॉक होल्डिंग है 13 करोड़। मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिसकी स्टॉक होल्डिंग है 5 करोड़। ये थे कुछ उनके होल्डिंग्स। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली न्यूज से अपडेट रहें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।